हेलो बच्चों, आज हम फिफ्थ क्लास की ईवीएस की वर्कशीट 2 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में आपकी बुक पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 कहानी सपेरों की के प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा राजस्थान। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। सेकेंड है, ऐसे दो व्यवसायों के नाम लिखो जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे दो व्यवसाय होंगे, दूध बेचने वाले और अंडे बेचने वाले। ये दोनों ही व्यवसाय है, जिसमें दूध बेचने वाले गाय को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, और अंडे बेचने वाले मुर्गी को पालते हैं। इनकी पूरी की पूरी आजीविका गाय और मुर्गी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, हम एक वाद्य यंत्र है, हमें सूखी हुई लौकी से बनाया जाता है, हमारा नाम लिखिए। वाद्य यंत्र होता है बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनमें से संगीत निकलता है बजाने पर। तो सूखी हुई लौकी से जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं वो है बीन, एकतारा, बांसुरी। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम सूखी हुई लौकी से बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, खालिस्तान भरो डैश व डैश भारत के दो वन्य जीव अभयारण्य है, यानी भारत के दो वन्य जीव अभयारण्य के नाम लिखने हैं हमें यहाँ पर, जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। तो भारत में ऐसे दो हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क और जिम कॉर्बेट पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है और जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों की 4 प्रजातियाँ कोबरा, करैत, दुबोया और अफाई है। ये जो 4 नाम लिखे हैं, कोबरा, करैत, दुबोया, अफाई, ये जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं 4, जो हमारे भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले दांतों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फन कहा जाता है। नेक्स्ट, नाग गुम्फन जैसी कलाकृतियों का प्रयोग रंगोली कढ़ाई में किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सरकार ने जंगली जानवरों को पकड़ने व पालने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? इसका उत्तर होगा, कोई भी जानवर पिंजरे में रहना या कैद होना पसंद नहीं करता है, इसीलिए सरकार का बनाया हुआ कानून बिल्कुल सही है। परंतु यह कानून जंगली जानवरों के लिए है, जैसे हाथी, शेर, चीता, ना कि पालतू जानवरों के लिए, जैसे गाय, भैंस आदि। सेकेंड क्वेश्चन है, सांप का विष मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? इसका उत्तर है, इसके मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जुड़े दांत तेज और खोखले होते हैं, इसीलिए इसके काटते ही विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, सांप किसान के मित्र है, क्यों? इसका उत्तर है, यदि सांप ना हो तो चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे हमारी सारी फसलों को ही नष्ट कर देंगे। इस कारण सांपों को किसान का सच्चा मित्र कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, आओ खोजे। भारत संस्कृति एवं विरासत से धनी देश है। कालबेलिया नृत्य के अतिरिक्त भी अनेक लोक नृत्य व वाद्य यंत्र यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हमें इन्हें पहचानना है जिनकी चित्र दे रखे हैं। पहले चित्र में दो लोग एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, हमें उसका नाम बताना है। तो ये वाद्य यंत्र है बैगपाइप बैंड। नेक्स्ट चित्र में एक लोक नृत्य दिखाया गया है जिसका नाम है कथकली, जो कि केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्यनाथ के दादाजी पेड़ पौधों से बनी दवाइयाँ यानी औषधि देते थे। औषधीय गुण वाले किन्हीं दो पौधों या पेड़ों के नाम लिखने हैं जिनमें औषधीय गुण हो? तो ऐसे पेड़ हैं नीम और तुलसी, जिनसे दवाइयाँ बनती है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है, सांप के कान नहीं होते। अपने शब्दों में लिखो कि सांप बीन की धुन पर कैसे नाचता है। इसका उत्तर है, वे कंपन को महसूस करते हैं। सांप ध्वनियों को अपनी त्वचा के सहारे ग्रहण करते हैं। बीन बजाते वक्त धुन की अपेक्षा बीन से कंपन अधिक पैदा होती है और सांप इस कंपन को सुनते ही अपनी सुरक्षा के लिए हिलने डुलने लगते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ एक अनोखी कठपुतली। हमें अनोखी कठपुतली बनानी है। कैसे? एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए गए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आंखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काट कर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप? ऐसे आप सांप की कठपुतली बना सकते हो पुरानी जुराब से। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास फिफ्थ की ईवीएस की वर्कशीट 2। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।